हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई ऐसी यूजफुल जानकारियां जो आपके जीवन में बहुत काम आती हैं। जी हां फ्रेंड्स, आज ऐसे ही एक टॉपिक के साथ हाजिर हैं हम आपके बीच। और ये जो आज का जो टॉपिक है, हिसाब किताब कैसे करें पार्ट 6, आज का ये वीडियो कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है मोहित वर्मा जी ने। तो क्या लिखते हैं मोहित वर्मा जी, आपको साइड में दिख रहा होगा, ये लिखते हैं, सर एक हेक्टेयर में 70 क्विंटल गेहूं निकलता है तो एक एकड़ में कितना गेहूं निकलेगा। तो यहां पर आइए देखते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन है, अगर हम इसको सरल भाषा में लिखें तो सरल भाषा में यहां पर होगा, एक हेक्टेयर है ये और इसमें जो गेहूं निकल रहे हैं कितने निकल रहे हैं, 70 क्विंटल। और एक एकड़ में पूछा गया है, एक एकड़ में ये हमें निकालना है कि कितना होंगे। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर देखिए यूनिट कुछ और है और यहां पर यूनिट कुछ और है। ये आप देख रहे हैं, यहां हेक्टेयर में दिया हुआ है जबकि यहां किस में दिया हुआ है, एकड़ में। तो हमें ये सवाल हल करने के लिए हेक्टेयर को भी एकड़ में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर फार्मूले की बात की जाए तो फार्मूला क्या होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.4711 एकड़, ये होता है। तो देखिए, हमें थोड़ा सुविधा पड़े इसलिए हम इसको लगभग हम 2.5 एकड़ मान ले रहे हैं। लगभग कितना एकड़ मान ले रहे हैं, 2.5 एकड़। क्योंकि बहुत एक्यूरेट तो भाई कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, 70 क्विंटल का एवरेज लिया गया है, तो यहाँ पे भी हम अपना गणना सरल करने के लिए 2.5 एकड़ इसको ले सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लिखते रहे हैं क्या, 2.5 यानी कि 2.5 एकड़। अब ये हमारा सवाल देखिए जो कठिन लग रहा था वो सरल हो गया, चूंकि हमें ये जो रिलेशन है, ये जो इसका इसमें चेंजिंग है, ये हमको पता हो गया। अब देखिए, हमारे लिए आसान हो गया और हम हमेशा से वही करेंगे जो हम करते आए हैं। तो देखिए, इसका ये जो है ये यहां चला जाएगा और इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक को यहाँ पे भी हम अंक में लिख दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा क्या, वो जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे देखिए, इसका इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा 70 × 1/2 ये हो जाएगा। और आप जानते हो कि बटा का मतलब क्या होता है, भाग। और अगर आप 70 में भाग करोगे 2.5 का तो ये कितना आएगा, ये आएगा 28 क्विंटल। कितना आएगा, 28 क्विंटल। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हो गया। अगर कैलकुलेटर एंट्री की बात की जाए तो कैलकुलेटर एंट्री, अगर आप कैलकुलेटर से तुरंत निकालना चाहते हैं, कैलकुलेटर एंट्री जो होगी आपकी वो क्या होगी, वो देखिए क्या होगा, यहां पर 70 × 1/2, क्योंकि बटा का मतलब भाग होता है, 2.5 जैसे ही आप करेंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 2.5 क्विंटल। तो इस तरह से हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। तो कोई भी अगर आपको कुछ अलग अगर यूनिट दिया है, कुछ अलग यूनिट पूछा है, तो सबसे पहले तो उसका आपको रिलेशन जानना पड़ेगा कि इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या इसका इसके बराबर चेंज करने पर क्या होगा। अगर आपको वो पता है तो यहाँ आप चेंज कर लीजिए, इसके बाद आप क्या कर दीजिए जो आपको चाहिए। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, इसका इसमें गुना हो जाएगा जिसका पूछ रहा है, और ये जो दिया हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ आया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।